एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में मैंने किया था कि पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, फिर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे हम लोग। एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड अब कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले देखे देखते हैं, ट्राई करके देखो। लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे, एक काम करते हैं उसी क्वेश्चन में हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। ट्राई करके देखो एक बार खुद से, सिंपल क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सब टाइम के साथ पता चलेगा, बस अभी तुम लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है, ट्राई करते जाओ। पहला पार्ट विदाउट स्टीरियोआइसोमर, दूसरा पार्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तीसरा पार्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तीनों के तीनों स्टेप हम लोगों को मेंशन करना है। करके देखो ये तीन क्वेश्चन, क्या और भी एक क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ट्राई करके देखो। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मेरे सबसे पहले मेडिकल बैच के स्टूडेंट का मैसेज आया था कि इसका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, डॉक्टर बन गया फाइनली। ये तान्या के सिस्टर हो, तुम्हारे पास भी मैसेज आया था? हाँ सर, स्टेटस देखे थे। मतलब सर स्टेटस देखे, तुम्हारा मैसेज नहीं आया था, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई ये थे सर, वैल्यू ही नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ कुछ बातचीत हो रहा था तो मेरे से पूछ रही थी कि आप रात में क्लास लगाते हैं। बोले हाँ। बोले अच्छा, बोले तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले कि हम तान्या से बात कर रहे थे तो वो बोली कि मेरा क्लास चल रहा है अभी। बोले कि हाँ जिंदगी खराब है, सबका जिंदगी खराब है। तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है तान्या? ट्रेन के जैसा? उसका उसका लॉजिक नहीं समझ, मतलब वो कनेक्शन नहीं समझ। ट्रेन के जैसा पढ़ाई चल रहा है, मतलब ऐसे रुक रुक के चल रहा है, नहीं मतलब पढ़ाई तेज चल रहा है और हम पीछे हैं। तो इसको ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन के जैसा चलने का मतलब इसको थोड़े बोला जाता है। इतना वो ऐसे भाव समझना था, वो ऐसे प्रैक्टिकली नहीं। हम उसमें बहुत दिमाग लाने की कोशिश किए। इसका स्टेटमेंट था पढ़ाई कैसा चल रहा है तो ट्रेन के जैसा, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए कि कैसे ट्रेन को पढ़ाई से कैसे कनेक्ट करके चल चल पा रहे हैं। रुक रुक के चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, हम ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसका ऐसा कि ट्रेन जा चुका है, हम पीछे पीछे लटकते चल रहे हैं। चलो अच्छा है, चलो भाई पहले वाले क्वेश्चन में कितना होगा, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे सबसे पहले तो ये बताना है, फिर उसके बाद कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे और कितने फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तीनों पार्ट अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहला पार्ट कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। ओवरऑल सर एक साइक्लोहेक्सेन अगर दिख रहा, कोई भी पोजीशन यूनिक नहीं है, सारे पोजीशन रिपीटेड है, बेसिकली सारे पोजीशन रिपीटेड है। तो मगर यहाँ बी सी डिवीजन करो, जैसे इसको सिमेट्रिकल सेंस में समझने का तरीका इसी टाइप से है। बी सी डिवीजन किया तो ये दोनों कॉमन दिखाई दिया तो एक को छोड़ देते हैं, ये दोनों भी कॉमन दिखाई दिया तो नीचे को भी छोड़ देते हैं, और साइड के भी दोनों पार्ट कॉमन दिखाई दिए इसमें भी छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल तो तीन पार्ट खत्म हो गया।
फिर उसके बाद यहाँ से डिवीजन कर दो, जब यहाँ से डिवीजन करेंगे तो ये दोनों पार्ट भी कॉमन आएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब बचा अपने पास टोटल मिला करके ओवरऑल 2 पॉइंट्स, यहाँ से डिवीजन कर दो, यहाँ से डिवीजन करने पे ये दोनों भी कॉमन आ रहा, इसका मतलब सारे ही पॉइंट्स कॉमन है, अलग अलग एंगल से कॉमन है बट कॉमन है। जो कॉमन पॉइंट्स है वो एक ही प्रोडक्ट देंगे या सेम प्रोडक्ट देंगे, हम लोगों को सेम प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, केवल यूनिक प्रोडक्ट से मतलब है। तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन में किसी भी एक पोजीशन पे ब्रोमीन आराम से अटैच कर सकते हैं, ये हम लोगों का सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कितने स्टीरियोआइसोमर्स आएंगे इंक्लूडिंग, मतलब इस प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो पूरे कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, कोई भी ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, इसका मतलब टोटल मिला के एक ही पॉसिबिलिटी है, एक काउंट कर सकते हैं। अब ओवरऑल एक ही स्ट्रक्चर है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या बात, ऑब्वियसली बात है केवल वही निकलेगा, तो फ्रैक्शन बोलना भी गलत होगा। फ्रैक्शन तो तब बोलते हैं ना जब दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है, चार चीजें होती है, एक में क्या ही फ्रैक्शन बोलेंगे, वन बोल करके आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बोलने का सेंस यहाँ पे अलग है, कितने टाइप के डिविजन हो रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे केवल एक ही पार्टिकुलर सेगमेंट मिल रहा, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आराम से 1 के बराबर पुट अप कर सकते हैं। किसी को और क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट होगा तो पूछ लेना, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सबसे पहला सवाल ये, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रितांबरा कहां गायब थी तुम, लेट क्यों आई क्लास में सर? 5 चलिए पहले रितांबरा से सवाल पूछे, क्यों भाई लेट क्यों है सर? वो सीएस का ऑफलाइन क्लास था तो वापस आने में लेट हो गया इसलिए। सीएस का ऑफलाइन, सीएस का भी क्लास करती है तुम? यस सर। बड़ा मेहनती लोग है भाई सब। इंग्लिश हिंदी का भी क्लास करती है क्या? नहीं नहीं सर, सीएस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा पाइथन प्रोग्रामिंग के वजह से। क्या बात कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग आसान चीज है, मैं भी रिसेंटली सीखा है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आसान है लेकिन प्रोग्रामिंग और कोडिंग लिखते टाइम, क्या लिखते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो लिखना क्यों है, लिखना क्यों है? अभी तो एक वो आ रखा है, इतना अच्छा AI टूल आ चुका है जो आपका कोड खुद ही लिख देगा, आपको लिखना भी नहीं है, क्यों लिखना? टीचर को बोलो कि नहीं लिखना, हो गया काम खत्म। एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, और वो भी वहाँ पे बिना लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो बिना गलत बात है, बहुत दिक्कत हो जाती। तो ट्वीट मारो उसको, एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट मारो, और क्या, कि अब क्यों लिखना है कोड, कोड तो ऑलरेडी लिखा लिखा आ रहा है, लॉजिक आना चाहिए, एल्गोरिथम सॉल्व करने आना चाहिए, क्यों कोड लिखना? जब हम सीख सकते हैं कोडिंग तो मेरे हिसाब से सब सीख सकता है, और हम तो पिछले 2-3 महीने में सीखे, 3 महीना भी नहीं, 2-1.5 महीना हुआ है, अभी हम लोग उसी चीज पे लगे पड़े हैं। ऑल्दो मतलब कौन सा लैंग्वेज सीखे थे? जावास्क्रिप्ट सर, सही में ऐसा मतलब होना चाहिए कि बिना कंप्यूटर के कोडिंग का कोई सेंस नहीं है। हाँ मतलब बिना कंप्यूटर के कोडिंग का ज्यादा कोई सेंस नहीं है, एक्चुअल में ज्यादा कोई सेंस नहीं है सर। एग्जाम में लिखने के लिए तो जरूरत है ना, कोई फायदा ही नहीं है। काहे ले ली कंप्यूटर साइंस, तुमको कौन बोला था कंप्यूटर साइंस लेने? सर गलती हो गया अभी तो। गलती हो गया, बताओ अगली बार जब 11th में भी एडमिशन हो रहा होगा ना DPS में, तो बाहर एक साइन बोर्ड लेके खड़ा हो जाना, कंप्यूटर साइंस मत लेना, गलती दोबारा रिपीट मत करना, ऐसा साइन बोर्ड लेके खड़े हो जाओ, कम से कम दूसरे लोग की जिंदगी बचा पाए। हम लोग जितना आसान समझते हैं ना, जैसे स्टार्टअप हम लोग इतना न्यूज सुनते रहते हैं, उतना आसान नहीं है स्टार्टअप। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर के टेस्ट पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, केवल टेस्ट पोर्टल एग्जैक्टली क्या होगा, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी, बहुत बड़े स्केल पे अगर हम लोग बनाने निकले तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा, जब उसमें 3-4 लोग लगातार लगे रहेंगे तब कम से कम 1.5-2 साल लगेगा उसमें। तो हम लोग अभी उसको पूरे फीचर्स को लिख रहे हैं, और लिख करके उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और पैरेलल में हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स वगैरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स बात नहीं सुनता आपकी, जब तक कि आपने एक प्रोडक्ट नहीं बनाया तब तक आपकी बात नहीं सुनेगा, इतना आसान नहीं जितना आसान दिखता है। मतलब हम लोग न्यूज में हमेशा सुनते रहते हैं, इसको इतना फंडिंग मिल गया, इसको इतना फंडिंग मिल गया, इतना आसान नहीं है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हम जो काम कर रहे हैं स्मार्ट ट्रिक में बोकारो में, वो काम बिजनेस है, उसको स्टार्टअप बोल ही नहीं सकते, स्टार्टअप का सेंस ही कुछ और है। स्टार्टअप का मतलब थोड़े बड़े स्केल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा चीज कोई डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी बड़े स्केल पे जा सके। पूरा दिन दिन भर इन्वेस्टर से मीटिंग में निकलता है, पूरा दिन एक दिन ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, वो आपसे मिलेगा भी नहीं,
टाइम भी नहीं देगा, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी पैरेलल में डेवलप करना है। अब मालूम पड़ रहा है कि कोडिंग क्यों सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जब आपके दिमाग में एक आइडिया हो तो आप उस आइडिया को आराम से इम्प्लीमेंट कर पाए, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़नी चाहिए। वरना मेरे जैसे लोग होंगे जिसको फिर रिसोर्स चाहिए, आप नहीं काम कर सकते, बोकारो जैसे जगह में आपको लोग ही नहीं मिल रहा है जो काम कर पाए, तो आपको फिर मजबूरी में बाहर आकर काम करना पड़ता है। सीखो कोडिंग, अच्छे से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कोडिंग के साथ साथ थोड़ा ना मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा कर लेना, मालूम पड़ा एक दिन भर कोडिंग में ही लग गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आते हैं। तुम लोग को मेरे से बहुत ज्ञान मिलेगा, जब तुम लोग कॉलेज जाएगा ना तो तुम लोग को स्टार्टअप पे बहुत ज्ञान मिलेगा। हम जितना लाइफ में सीखे ना स्टार्टअप को लेकर, हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, हम काइंड ऑफ अभी के टाइम ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि यार कोई होता जो हमको बताता, तो ये सब काम बहुत आसान होता। जो चीज हम 5-6 साल में कर करके सीखे, गलती सही जो भी एक्सपेरिमेंट किए, अगर कोई हमको बताने वाला होता तो फिर बहुत मजा आता, क्योंकि एनर्जी इतना हम लोग दिए, इतना ज्यादा एनर्जी हम दिए हैं काम करने में, वो एनर्जी ज्यादा बेटर वे में लगता है। बट ठीक है, उसका अपना अलग मजा है, जो अपने से आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं उसका अपना अलग मजा है। जो हम अपने टाइम पे जब केमिस्ट्री सीखे थे तो अपने से जब सीखे तो उसका आउटपुट आज दिखाई देता है कि ऑर्गेनिक अपने से सीखने का क्या मजा है। आप बहुत लॉजिकल वे में चीजें बात करते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक वे में चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो अपने से सीखने का मजा अलग है। बट हाँ ये है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, अगर किसी ने वो चीजें कर रखी है तो उसके थ्रू सीख लो, ज्यादा बेटर है। तो अगर तुम में से कभी किसी का मन किया, आपको ऐसा लगता है तुम्हारे बैच में है 2-3 लोग ऐसे, अद्वे है, अद्वे तो पक्का स्टार्टअप करेगा। अभी अद्वे सोचेंगे मन में, मतलब होगा कि ये स्टार्टअप तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तोड़-फोड़ वाला टाइप का चीज, तो अगर कुछ करना होगा तो करना तुम्ही को है, तुम्हारे बदले कोई और नहीं करेगा। बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए काम करने का, वो चीजें सीख सकते हैं, मेरे से पूछना होगा, हम तो अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है। फंडिंग आइडिया अच्छा लेके आओ, एकदम फंडिंग करेंगे, उसका अलग ही मजा है। आइडिया अच्छा होगा तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर तुमको एक्सपेरिमेंट भी करना है तो जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ सीड फंड वगैरह होता है, अगर हम कैपेबल हुए उस स्टेज पे, मतलब आने वाले 2-3 साल के अंदर हम कर देंगे, मतलब इतना एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, अगर तुम अच्छे कॉलेज में गए तो कॉलेज से अपने आप चीजें स्पॉन्सर्ड होती है, जैसे अमेजन वेब सर्वर जो होता है तो कॉलेज के तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है, तो ये सब कुछ बेसिक कॉस्ट कॉलेज में अपने आप आपको मिल जाता है, आपको ये सब के लिए कॉस्ट की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए या कुछ और चीज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता भी है, बट वो तो बाद का स्टेज है, तो प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट आपके कॉलेज की तरफ से स्पॉन्सर हो जाएगा। ये सब फायदा आपको अच्छे कॉलेज में मिलता है, IIT रुड़की हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब IIT दिल्ली में, अभी हम रिसेंटली देख सुन रहे थे IIT दिल्ली के नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, और शायद हार्वर्ड या MIT, दोनों में से, MIT नहीं शायद हार्वर्ड, इन दोनों के नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप सेम हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गए हैं। बहुत बड़ी चीज है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के में जितने स्टार्टअप्स आए वो यूनिकॉर्न बन गए, और IIT दिल्ली में जितने स्टार्टअप्स आए यूनिकॉर्न बन गए, बहुत बड़ी चीज है, या शायद IPO लिस्टिंग ऐसा कुछ बोला गया है। बहुत इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ओपन होने वाला, तुम लोग सही टाइम पे कॉलेज में आ रहा है, 2024-25-26 जितने भी छोटे छोटे शहर है ना, बोकारो, पटना, रांची, जमशेदपुर, लखनऊ, वाराणसी, इस तरह के जो भी Tier 2, Tier 3 सिटीज है, यहाँ पे बहुत इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज आने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी आएगा, हर जगह Wi-Fi आ गया है, तो उसमें तुम लोगों के लिए बहुत मतलब काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। दिल्ली बॉम्बे सब सैचुरेट हो चुका है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर स्टार्टअप ना बनाओ। दिल्ली बॉम्बे में हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई आइडिया जिसके ऊपर स्टार्टअप ना बनाओ, कुछ कुछ चीजें हैं बट ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं, तो तुम लोगों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। फंडिंग के लिए बात करने को करना, हम बता देंगे कि अगर हम नहीं भी दे सकते तो हम तरीका बता देंगे, एटलीस्ट लोगों से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि है मेरे कुछ सीनियर लोग जो अच्छे अच्छे उसमें जो फंडिंग के लिए जो कंपनी होते हैं ना, जैसे सुकुया कैपिटल हो गया, टाइटन कैपिटल हो गया, सब जगह हम लोग के कॉलेज वाले दोस्त लोग बैठे हुए हैं या फिर सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो फंडिंग आराम से मिल जाएगा। आइडिया तुमको डेवलप कैसे करना है ये तुमको सोचना होगा, इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, उसके लिए पेन होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी का पार्ट है, तो इसीलिए अब है कि करना है आपको। बट ठीक है, अभी पहले कॉलेज में जाओ, पहले अभी सबसे पहले इनिशियल टाइम पे सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अच्छा कॉलेज, क्योंकि हम एक चीज सुन रहे हैं IIT के होने के वजह से एटलीस्ट इन्वेस्टर लोग मीटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज लोग सुनते भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि आपकी बातें कोई सुनेगा,
कम से कम ये है कि आईआईटी बैकग्राउंड है, दो तीन लोग जो मेरे सारे फ्रेंड लोग हैं मोस्टली सब, एक एक तो आईआईटी रुड़की का ही है, एक आईआईटी दिल्ली का है, तो उस बैकग्राउंड के होने की वजह से लोग हम लोग की बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड है। तो कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहला काम है उस कॉलेज में पहुंचे ताकि लोग आपको क्रेडिबल समझे कि आप अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा कि वैल्यू नहीं मिल रहा, यहाँ कम से कम कि वैल्यू मिल रहा है। आइडिया कितना अच्छा है नहीं है वो टाइम के साथ पता चल जाएगा। तो इसीलिए अभी टाइम में कि मेहनत करके आईआईटी टारगेट करो, कोई भी आईआईटी बट आईआईटी टारगेट करो, उसके बाद फिर एनआईटी का नंबर आना चाहिए। उसके लिए जितना भी एफर्ट लगाना लगा सकते हैं, एक साल का टाइम है, अभी भी एक साल का टाइम है, सफिशियंट टाइम होता है। जो लोग थोड़ा भी टेंशन में रहते हैं कि बहुत भारी है, भारी भारी कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना भी भारी काम है। सांस लेना कितना भारी काम है बताओ, कोविड हो जाएगा तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, भारी तो सब कुछ है। खाना खाना भारी काम है, उनको तो सुबह उठना सबसे भारी काम लगता है, उठा ही नहीं जाता मेरे से, रात को नींद नहीं आता वो भी भारी काम लगता है। तो हर चीज भारी है। पॉइंट है कि आपको करना पड़ेगा, सब लोग उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, सब लोगों ने वही एम एस चौहान, सब लोगों ने वही ये जो तुम्हारा फिजिक्स में इरोडोव है, क्रुडोव है, एस सी वर्मा है, सब लोग वही प्रोसेस से गुजरे हैं, सबके सामने वही क्वेश्चन आए, सबको वही भारी लगा। बस ये है कि कितना एफर्ट लगाया, ये बस मैटर करता है कि उस क्वेश्चन में हम लोगों ने कितना एफर्ट लगाया। लोग एफर्ट नहीं लगाते तो लोगों को लगता बहुत भारी है, अब नहीं होगा, तो भारी होगा हो गया, अब नहीं होगा तो चीजें खत्म। हाँ नहीं बन रहा तो देखना पड़ेगा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, उसके पीछे लगते 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 उस प्रोसेस का पार्ट बने और हम लोग सीख गए। मतलब तो हम तो तुम लोगों को जो जज करते हैं, तुम लोगों का आई क्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, बट तुम लोगों का ना मतलब तुम लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर है, हो सकता है तुम्हारे बैकग्राउंड के वजह से आया हो, बैकग्राउंड इन द सेंस कि बचपन से जो भी पेरेंट्स लोगों के साथ रहे या जिस फैमिली बैकग्राउंड में रहे या जिस सोसाइटी में रहे, वहां से चीजें बहुत इन्फ्लुएंस होती है। तो वहां से ना एक फियर फैक्टर हो जाता दिमाग में, लाइफ में क्या करना है तो जॉब करना है, सरकारी जॉब करना है थोड़ा स्टेबिलिटी होगा, ये करना है ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, एमबीए कर लो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो लोगों के दिमाग में एक फियर फैक्टर है, मेरे हिसाब से वो फियर फैक्टर मेरे अंदर नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। जॉब वॉब का टेंशन हमको कभी नहीं, बचपन से हम जॉब नहीं करना है। लास्टली ये समझ में आता है कि जीने के लिए तो महीने के 20,000 रुपए बहुत है, इतना कमाने का स्किल होना चाहिए, बाकी कहीं भी कमाओ। अब 20,000 रुपए में भी काम चल रहा है और 20 करोड़ में भी काम नहीं चल रहा लोगों का, तो ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कितना कमाना है, तुम्हारे पास वो स्किल कैसे आएगा, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तो जितना हो सकता मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अभी जैसे तुम लोगों का भी क्लास खत्म होगा 10:30 बजे, सबकी जिंदगी खराब हो जाता है, मेरा शुरू होता है फिर रात को 3 बजे 4 बजे तक हम लोग काम चलता है, फिर उसके बाद सुबह जब भी उठ गए फिर से काम शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, ये फीचर कैसे आएगा, इस फीचर में क्या हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगा, इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। अभी हम लोग इसी चीज को बेसिकली लिखने में लगे पड़े, इसी में 2-3 महीना निकल जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन लग गया तो मेरी आंखें खुल गई कि जो काम हम 2016 में सोचे थे वो करना है। अभी हम रिसेंटली एक जूनियर से मिले थे पटना में, वो हमको बड़ा स्ट्रिक्ट वे में बोला कि सर अगर आपने 2016 में सोचा था कि आपको यही करना है, ऑनलाइन लर्निंग वाला पार्ट आपको डेवलप करना, आपके दिमाग में आइडिया था, तो आपने किया क्यों नहीं? तो बोले यार बहुत बिजी हो गए हम लोग, वर्कलोड बढ़ गया। ले जो कुछ भी बढ़ गया, आपको लेना नहीं था वर्कलोड, आप पहले दिन से बोलते कि हमको नहीं लेना है वर्कलोड, आप दूसरे टीचर्स हायर करते, आप उनसे काम करते, उनके ऊपर सारे क्लासेस डालते। आपने जब ये सोचा कि ये करना है तो यही करना है, तो फिर उसके बाद हमको लगा कि हाँ ठीक है ये पॉइंट है, क्योंकि हमेशा वर्कलोड आएगा, ऐसा थोड़ी कि मेरा काम इस साल घट गया। लास्ट ईयर बोला लॉकडाउन है, मेरा काम और बढ़ गया, इस साल लॉकडाउन थोड़ा कम हो रहा है, मेरा काम और बढ़ गया, तो काम कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर लगा कि नहीं ठीक है, अब बस डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। जो काम 2016 में करना था 5 साल में नहीं हो पाया, तो अब टाइम आगे कि उसको करना ही करना है, तो फिर डिसीजन लेना पड़ा। अब हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो लो क्लास आराम से जाम में, तुम लोग को एनर्जी में रहना पड़ेगा। तुम लोगों के पास अगर एनर्जी नहीं है तो बोल देंगे ब्लैक कॉफी पियो, रेड बुल पियो, दही चीनी खा के बैठो, बट क्लास अगर लगा दिए तो क्लास लेना ही लेना है, उसमें कोई लोड नहीं है। किसी दिन अगर मेरा मूड बहुत अच्छा रहा तो पता चला 12-1-2 बजे तक पढ़ाते रह गए आराम से, तुम लोग को ही मजा आ जाएगा, कोई मजा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों का सिमेट्रिसिटी किधर से है। तो इधर से सिमेट्रिकल नेचर तो नहीं दिख रहा, अगर यहाँ से डिवीजन करेंगे तो ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मतलब इस डिवीजन के अलॉन्ग चीजें सिमेट्रिकल नहीं है, ये अच्छा चीज है, कुछ यूनिकनेस हम लोग को मिलेगा।
यहाँ के अलॉन्ग चीजें थोड़ी सिमेट्रिकल है, यहाँ से अगर डिविजन किए तो ये दोनों पॉइंट सेम दिख रहा, ये दोनों पॉइंट सेम दिख रहा, तो बेसिकली एक को छोड़ देते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, तो यूनिक पॉइंट्स क्या क्या बच गए, तो ओवरऑल ये ऊपर वाला पॉइंट यूनिक बचा, ये पॉइंट यूनिक बचा, उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा, टोटल पांच पॉइंट्स हम लोग को यूनिक मिल रहा है, पांच प्रोडक्ट है तो हम इसीलिए नीचे बना दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमीन वाले पार्ट को जस्ट अगले पोजिशन पे लगाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे, अब मतलब लेफ्ट में यूनिक है राइट में यूनिक है उसको, इतना तो तुम लोगों को समझ में आता है, तुम लोग खुद स्मार्ट इंसान है सब, या हो सकता है वो चपंडू के सारे सब, फिर उसके बाद ब्रोमीन आगे हो सकता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग ब्रोमीन को पुट कर सकते हैं। ये पांच पॉसिबिलिटीज है। ये प्रोडक्ट तो हो गया विदाउट स्टीरियो आइसोमर, ये केवल हम लोगों के पोजिशनल आइसोमर है, जैसा हम लास्ट क्लास में बताए थे कि ऑल पोजिशनल आइसोमर्स हम लोगों ने बना दिए। अब उसके बाद हम लोगों का काम आता है स्टीरियो आइसोमर्स का, कितने कितने स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, पहले वाले में कितने स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, ये सवाल हम तुम्हारे ऊपर पुट करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर में तुम लोगों को बताना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, एक भी नहीं, हाँ मतलब स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कोई स्टीरियो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दो सर एक भी नहीं, इसमें भी कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग नहीं रख सकते हैं। दो। थर्ड वाले केस में क्या होगा, दो। थर्ड वाले केस में दो होगा, अंधेर नकरी चौपट राजा है सबका, टोटल दो कायरल सेंटर है, फिर तो दो कायरल सेंटर्स है, मतलब दो स्टीरियो सेंटर्स, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर ब्रोमीन आ रहा है, जिस केस में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है 2 to the power 2, मतलब 4 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इस फोर्थ वाले केस में क्या होगा, सर इसमें भी दो कायरल सेंटर है, इसमें भी दो कायरल सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स, और लास्ट वाले केस में कितना होगा, एक स्ट्रक्चर बस, लास्ट वाले केस में कायरल सेंटर नहीं है, इसीलिए इस केस में दो होगा। इस चीज का ध्यान रखना है स्पेशली, और ये पहला केस नहीं है, आगे और भी जगह आएगा, रिंग का अगर स्ट्रक्चर रहा तो केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देखना है, ज्योमेट्रिकल भी चेक करना है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में इस रिंग के अलोंग हम लोगों का दोनों ग्रुप सेम साइड या एक ग्रुप अपोजिट साइड सिस ट्रांस आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम साइड में लिख दे रहे हैं, सिस ट्रांस आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, तो लास्ट केस में हम लोगों का दो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो पहले वाले केस में एक 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 ऐसा करके लिखा, टोटल मिला के 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12, ये 12 प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग का थर्ड पार्ट आता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होंगे, और लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा चीज बताया था तुम लोगों को, जब भी कभी इनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करेगा तो पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब सारे स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सारे, अगर चार स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो चारों ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होंगे, और अगर चारों ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें इनेंशियोमरिक पेयर्स अगर निकालेंगे हम लोग तो टोटल दो निकल के आएंगे, एक पेयर में दो पार्ट, मतलब इनेंशियोमर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो इसमें जैसे ऐसा समझ लो, चार है, दो कायरल सेंटर है, तो पहले कायरल सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे पे आर कॉन्फ़िगरेशन, पहले पे आर, दूसरे पे एस, पहले पे एस, दूसरे पे आर, या दोनों पे एस एस कॉन्फ़िगरेशन, इन चारों कायरल सेंटर्स के दो, जो दो कायरल सेंटर्स से, उन दो कायरल सेंटर्स के रिस्पेक्ट में जो चार पॉसिबिलिटीज थी कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएशन का, क्योंकि हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में भी डालते हैं, कन्फर्मेशनल को अगर छोड़ दे तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्टीरियो सेंटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, सिस के जगह ट्रांस हो गया, आर के जगह एस हो गया, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टोटल क्या पॉसिबल वेरिएशंस थे, तो चार पॉसिबल वेरिएशंस थे, जिसमें आर आर एंड एस एस दोनों मिरर इमेज है, मतलब इनेंशियोमर होगा, आर एस एंड एस आर वापस से मिरर इमेज है, इसका मतलब इनेंशियोमर होगा। फिर अगर हम ये सवाल पूछे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या निकल के आएगा, ये रेड वाले पार्ट में क्या रिलेशन निकल के आएगा, आर आर एंड आर एस डायस्टीरियोमर। तो जो इनेंशियोमर्स है वो हम लोग
एक काउंट कर सकते हैं, मतलब इनेंशियोमेरिक पेयर बोलेंगे तो एक हो गया, ये सेकंड और थर्ड मिला के एक पेयर हो गया, फर्स्ट और फोर्थ मिला करके एक पेयर हो गया। तो अगर चार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए, इसका मतलब बाय टू कर लो टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर आएंगे। क्यों हम इनेंशियोमेरिक पेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था इनेंशियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, वो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे ही इवेपोरेट होंगे, एक फ्रैक्शन में काउंट होंगे, सेम बॉइलिंग पॉइंट एक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर तो अलग ही रहने वाला है, उसमें तो सोचना ही नहीं है। इसका मतलब इन स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग का जो पहला स्ट्रक्चर है वो तो एक फ्रैक्शन देगा ही देगा। फिर उसके बाद हम लोग का सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड वाला भी एक अलग यूनिक स्ट्रक्चर है, वो भी एक फ्रैक्शन देगा ही देगा। फिर उसके बाद जब थर्ड स्ट्रक्चर आएगा, तो उस थर्ड स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड चार पॉसिबल ओरिएंटेशंस थे, उन चार में दो इनेंशियोमेरिक पेयर थे, दोनों इनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जैसे चार थे टोटल ऐसा, तो दो का बॉइलिंग पॉइंट सेम है वो एक साथ निकलेंगे, दूसरा अलग एक साथ निकलेगा। बट डायस्टीरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं रहेंगे, मतलब ये दो था, ये पार्ट सेम रहा, ये पार्ट भी सेम रहा, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं रहेंगे, दो अलग अलग फ्रैक्शंस निकल के आएंगे। तो जब भी कभी चार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आया, तो दो इनेंशियोमेरिक पेयर होंगे, वहां से हम लोग दो फ्रैक्शंस आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लो लास्ट केस, मतलब सॉरी सेकंड लास्ट केस, फिर से चार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि अनसिमेट्रिकल था, फिर से यहां दो इनेंशियोमेरिक पेयर, मतलब दोनों इनेंशियोमर एक साथ आए, तो टोटल मिला के दो फ्रैक्शंस निकाले जा सकते हैं। और लास्ट वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट अलग ही होता है। इनफैक्ट अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर होते हैं। इसका मतलब यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना है, जब बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो अलग अलग फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अपना वैल्यू डुबाने वाला है, मतलब टोटल मिला के हम लोग का आंसर 8 के बराबर होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने आना चाहिए, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखने का है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स कितने, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितना आ रहा है आंसर, अपना अपना आंसर बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स कितने हैं? दो। ओ, पक्का? चलो देख लेते हैं, पहले ये डिवीजन करते हैं। तो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, और ये दोनों भी सेम हो गया, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा काउंट कर लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं और एक पार्ट को भी छोड़ देते हैं, बचा अपने पास तीन यूनिक पार्ट। अब जो तीन यूनिक पार्ट बचा उसमें ऐसा भी डिवीजन कर लेते हैं, तो ऐसा डिवीजन करने से ये दोनों आपस में सेम हो गया, तो ये भी सेम था, इधर भी सेम था, इसको भी छोड़ देते हैं, बचा अपने पास एक ही यूनिक पार्ट, एक यूनिक पार्ट ऊपर और एक के बीच वाला पार्ट, तो टोटल मिला के दो ही यूनिक पार्ट बच रहा है। एक और चीज ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जरूर काउंटिंग में करना है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ही भूल जाना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर इसके जगह पैसा होता तो यहाँ क्लोरीन मत लगा देना हड़बड़ी में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चार बॉन्ड बना हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे प्रोडक्ट बनाने का। तो टोटल मिला के यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, ये दो पॉसिबिलिटीज में यहाँ पे क्लोरीन लगा एक पॉसिबिलिटी, उसके अलावा क्लोरीन वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ से अगला सवाल आता है कि हम लोग के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, ये दूसरा सवाल हो गया, कितना आना चाहिए आंसर? तीन। तीन? पक्का? यस सर। पहले वाले केस में कितना आएगा? दो। दो? पहले वाले केस में दो आएगा, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर, जैसे ही हम लोगों ने क्लोरीन लगाया तो इधर एक कायरल सेंटर बन गया, केवल एक कायरल सेंटर वहां बन रहा और कहीं नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आराम से हम लोगों का एक कायरल सेंटर है, दो ही प्रोडक्ट बनेगा इधर साइड से, और दूसरे वाले साइड में कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं आया, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो वैसे भी नहीं था, टोटल मिला के अपना वैल्यू तीन के बराबर आने वाला है। फिर अगला सवाल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने फ्रैक्शंस ऑब्टेंड होंगे? दो। दो? जब हम लोगों का दो स्टीरियोइसोमर बना, तो इसका मतलब ओवरऑल इनेंशियोमेरिक पेयर एक ही है, दो कंपाउंड बने, दो स्टीरियोआइसोमर्स बने, दोनों इनेंशियोमर है, दोनों सेम ही फ्रैक्शन पे इवेपोरेट होकर निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग का एक फ्रैक्शन निकलेगा और दूसरा फ्रैक्शन अलग से निकलेगा, मतलब टोटल मिला के हम लोग को दो फ्रैक्शन मिलने वाले हैं एक्सक्लूडिंग
सॉरी आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये हम लोगों का अगला सवाल रहा. कोई डाउट होगा तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे आते हैं. 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है. ढंग से सोच समझ के आंसर देना. पहले तो बस ये बताओ कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है एक्सक्लूडिंग स्टीयर आइसोमर्स ये कितने हैं. पहले तो बस ये बताओ. चार एक्सक्लूडिंग स्टीयर आइसोमर. चार तो तीन. एक सेकंड, इसमें ना एक नया इंसान उससे पूछते हैं. सूरज तुम बताओ भाई कितने प्रोडक्ट बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीयर आइसोमर. कल तो तुम्हारा लास्ट, कल का क्लास लास्ट का छूट गया था जहाँ पे ये चीज पढ़ाए थे. हो सकता है तुमको दिक्कत हो रहा हो. अगर दिक्कत हो रहा होगा तो फिर बोल देना कि सर कल का क्लास छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेक्चर देख लेना तो समझ में आएगा. बहुत भारी चीज नहीं है. श्रुति श्रेया व्हाट अबाउट यू. कुछ बोली क्या, आवाज नहीं आया. संचिता हाँ सर दो दो यस सर. बस इसका आवाज नहीं आ रहा. मेरे को आवाज नहीं आ रहा सर, किसी को आवाज नहीं आ रहा. उसके ऊपर साहिल तीन. पहले तो डिवीजन करके देख लेते हैं. यहां से डिवीजन करेंगे तो कंप्लीटली सिमेट्रिकल कंपाउंड. ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों पॉइंट सेम, ये दोनों पॉइंट सेम. तो राइट साइड का तो चारों ही खत्म हो गया सबसे पहली पॉसिबिलिटी. उसके बाद क्या बचता है, तो यहाँ से डिवीजन कर देते हैं. तो ये दोनों वाला पार्ट भी सेम नीचे हटा देते हैं, ये दोनों वाला पार्ट भी सेम, तो एक और हटा देते हैं. बचा यहाँ पे हम लोगों का ये पॉइंट, ये भी आपस में सेम, तो इसको भी हटा देते हैं. तो ओवरऑल तीन ही पॉइंट्स बच रहे हैं यूनिक, बाकी तो सब कॉमन में निकल गए. तीन टोटल यूनिक पोजीशंस है. अगर तीन यूनिक पोजीशंस है तो तीनों जगह पे हम लोग हैलोजन लगा के, हैलोजन में शायद मैंने क्लोरीन दिया था, चलो ठीक है, जो भी हैलोजन है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना. क्लोरीन एक जगह पे लगा या फिर क्लोरीन वाला पार्ट क्या था, ब्रोमीन. ठीक है, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरे जगह पे ब्रोमीन, और या फिर हम लोगों का ये तीसरा पोजिशन यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है. टोटल मिला के तीन प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरोइसमर. फिर उसके बाद मेन सवाल आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरोइसमर्स. तो साहिल के ऊपर रितांबरा का नंबर है. बताओ भाई रितांबरा कितने प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे इंक्लूडिंग स्टीरोइसमर्स. केवल पहले वाले में बताओ, पहले वाले में कितने स्टीरोइसमर्स होंगे. हाँ स्टीरोइसमर, तो बिना तो स्टीरोइसमर का तो हो ही गया डिस्कशन. प्रोसेसर स्लो हो गया है तुम्हारा, ऐसे कैसे काम चलेगा. पेंटियम 4 में चल रही है, वो कंप्यूटर साइंस सीख रही है, पेंटियम 4 में चल रही है. i7 आ गया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, पता नहीं कितना जनरेशन आ गया, पेंटियम में चल रही है. सर एक ऋषभ पहले वाले केस में कितने स्टीरोइसमर. नहीं नहीं दो दो. अच्छा दो. और कुछ बोली लगाना है तो लगा लो. ऋषभ पहले वाले केस में कितने स्टीरोइसमर्स. रवि हेलो सर आवाज आ रहा है. हाँ बोलो सर. दो दो. रवि सर दो ही. दो ही. अश्मिता अश्मिता क्या क्या अश्मिता का नाम ऐसा कंटिन्यूएशन में चलता है. अश्मिता क्या क्या डॉट क्यों लगा रखी है बताओ. कितना चार फोर. अच्छा थोड़ा बढ़ा है अभी, थोड़ी और बोली और थोड़ा ऊपर का बोली लगाओ. अर्पित इसका तो आवाज ही नहीं आया. अद्वै सर दो दो. पहले वाले कंपाउंडर चतान्या से तो पूछे ही नहीं हम. चार. चार कोई बात नहीं.
वाले कमांड में तीन का एरर सेंटर है, मॉलिक्यूल है। हाँ इतना मैथ्स हमको भी आता है, मैथ्स खराब था इसका मतलब नहीं सर, जस्ट अभी वही आया दिमाग में। सेकंड वाले केस में तीन का एरर सेंटर, फिर से 2 to the power 3 8। थर्ड वाले केस में कितना होगा? एक। एक कोई एरर सेंटर है? नहीं नहीं पक्का? एक सर दो होगा ना, दो होगा। कैसे दो? हाँ भाई अस्मिता कैसे दो? कैरल सेंटर तो नहीं दिख रहा। अरे बताइए भाई कैसे दो पे पहुंचे, इस डिजिट पे कैसे पहुंचे? सर सिर्फ सो ट्रांस, एक से पहले दो सिस प्लस ट्रांस। कैसे सिस प्लस ट्रांस? इस स्ट्रक्चर में कैसे सिस प्लस ट्रांस? यहाँ पे एक ब्रोमीन के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। कैसे सिस प्लस ट्रांस? तुम लोगों ने एक बड़ा भारी स्ट्रक्चर दिखाते हो, हम पहले ऐसा समझा करते थे। इसी तरीके से इनफैक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसको हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड अ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म इतना रहता है। अब अगर दो रिंग है तो दोनों का चेयर फॉर्म बना दो। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ना इसको ट्रांस स्ट्रक्चर बोला जाता है, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर इसको सिस स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्यों सिस ट्रांस बोला जाता है उसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक है। इस पार्ट के लॉन्ग देखो, एक बॉन्ड जिधर जा रहा दूसरा उसके अपोजिट जा रहा, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस बॉन्ड के लॉन्ग मतलब दोनों रिंग में जो कार्बन कॉमन है उसके लॉन्ग दोनों ग्रुप एक ही साइड जा रहा है, तो इसका मतलब कम डिस्टेंस पे जा रहा है तो सिस स्ट्रक्चर है। ये सिस ट्रांस बोलने का एक तरीका हो सकता है, या हो सकता है क्या होता ही है बेसिकली। हम इस तरीके से जानते थे इस सवाल को, या फिर इस तरीके से हम इसको सॉल्व किए थे, बट हमारी जिंदगी किसी स्टूडेंट ने बहुत आसान कर दी थी 2016 में कि सर इसको ऐसा नहीं देख सकते क्या सिस ट्रांस को? तो हम बोले कि हाँ ऐसा ही देखेंगे अगली बार से। ब्रोमीन सॉलिड पे हो सकता है, हाइड्रोजन सॉलिड पे हो सकता है, या फिर ब्रोमीन सॉलिड पे हो सकता है और हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे हो सकता है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट के अलोंग सिस ट्रांस है, ना कि एक रिंग के अलोंग। रिंग में जो दोनों कार्बन थे उनके अलोंग दोनों ग्रुप सेम साइड हो गए या कोई एक अपोजिट हो गया। ऑल्दो वहां ग्रुप एक ही है बट स्टिल वो दोनों ग्रुप सॉलिड के तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। अदरवाइज दो साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस का रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली तुमको इस तरीके से मिलेगा। हाँ बोलो सर। तो ये तो फिर बाकी हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते ना? बाकी हाइड्रोजन के साथ कैसे कर पाएगा बताओ, थोड़ा हमको आज जानना चाहेंगे। जैसे मतलब सबको मतलब छह सबका छह का एक ले लेंगे, फिर पांच ऊपर एक नीचे, फिर तीन ऊपर तीन नीचे, ऐसे करते हुए तो फिर कूद जाए हम कहीं जा करके। बताओ कल तुमको न्यूज में सुनाई दिया कि दिल्ली में जाके किसी ने ऐसे कुएं में कूद करके अपनी जान दी थी, कुआं मिलेगा भी नहीं। अब गधा आदमी, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, कैसे तुम ऐसे कंपेरिजन करेगा? इधर दोनों हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है कि एक ही हाइड्रोजन है? यहाँ तीन तो कार्बन का बॉन्ड है, बचा क्या अपने पास? एक ग्रुप केवल। अब वो ग्रुप ऊपर है या नीचे है ये वो डिफरेंस डाल देगा, जबकि बाकी जगह पे दो दो हाइड्रोजन है, कैसे कंपैरिजन करेगा? बुझाया थोड़ा तुमका? क्या लॉजिक दिया, दोनों हाइड्रोजन सर पांच को एक तरफ कर देंगे, फिर चार को एक तरफ कर देंगे, दूसरा हाइड्रोजन देख ही नहीं रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट तो 8, 8, 16, 16+2 यहाँ पे 18, ये इस पॉसिबिलिटीज आराम से हो सकती है। और उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद क्या होगा, ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोच के एक बार बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर ही बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब सोच के बताओ कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन में, तुम्हारे लेवल पे। पक्का? टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सोच के बताओ। अभी से पहले डिस्कशन कर चुके हम लोग कि जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब में हम लोग जब इनेंशियोमेरिक पेयर की बात करें, आठ जूता का मतलब कितना पेयर हो गया, चार पेयर ऑफ शूज। तो अगर आठ कंपाउंड है तो इसका मतलब टोटल चार इनेंशियोमेरिक पेयर होगा। सारे इनेंशियोमर एक जगह पे आएंगे, तो दो इनेंशियोमर एक जगह पे आया, अगला दो इनेंशियोमर अगली जगह पे आया, अगला दो इनेंशियोमर अगली जगह पे आया, टोटल मिला के चार फ्रैक्शन बनाएगा। फिर अगले आठ में से भी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, चार इनेंशियोमेरिक पेयर मतलब चार फ्रैक्शन बनाएगा। बट लास्ट का दोनों पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो ये अलग अलग फ्रैक्शन पे जाएंगे क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो टोटल मिला करके हम लोगों के पास 10 फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट आराम से इन 5-6 क्वेश्चन के थ्रू आप सारी चीजें सीख सकते हैं। बाकी तुम्हारे नोट्स कॉपी में जितने क्वेश्चन दिए होंगे, ऑल्दो हमको ध्यान नहीं कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कराए होंगे, हमको रेयरली ध्यान है। ये क्वेश्चन हम मोस्टली स्टीरियो आइसोमर के बात कराते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ये कैलकुलेशन हम सिखा देते हैं नॉर्मली। जैसे स्टीरियो आइसोमर खत्म होता है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, हम वहीं पे सिखाते हैं। तो हो सकता है शायद तुम्हारे नोट्स में ये ना दिखे तुमको, अगर नहीं दिखेगा तो बता देना। ऑल्दो उसी नोट्स में स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने सबसे शुरुआत में पढ़ा रखा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसके लास्ट में डेफिनेटली मिल जाएगा, तो उस चीज को भी देख सकते हैं। वहां और भी एग्जांपल्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का, वो सारी चीजें मिल जाएंगी मोस्ट ऑफली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ये सब का यूज किसी क्वेश्चन में कैसे होता? जब आएगा क्वेश्चन तो बता देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में एक डायरेक्ट यूज है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सीधा ये सवाल होता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आफ्टर मोनो हैलोजनेशन, ये तीनों लैंग्वेज हो सकता है सवाल का, सवाल पुट करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल वाले पार्ट में, पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जो हम लोग का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा था उसमें, मतलब हम लोग का जो हैलोजनेशन हो रहा था उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद हम लोग मेजर माइनर की बात करेंगे। मैकेनिज्म अलग पार्ट है जिसके ऊपर सवाल थियोरेटिकल पूछे जा सकते हैं, फिर मेजर माइनर एक अलग यूनिक पार्ट है। ऑल्दो मेजर माइनर का पार्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट यूज किया जा सकता है, तो इसलिए याद रखना, थोड़ा याद रखना, उसमें एक सर्टेन थियोरेटिकल पॉइंट है जो अपने काम का निकल के आ सकता है। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है, मतलब अगर ढंग से सोचो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक सवाल होता है, कभी कोई भी बुक उठा के देखना, बुकलेट उठा के देखना, तो उसमें ऐसा होता है कि Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समथिंग समथिंग किलो जूल है, तो मालूम करो कि कितना एनर्जी का फोटोन या कितना वेवलेंथ का फोटोन रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड के, एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बेसिकली जो फोटोन होता है, सनलाइट से आया, अल्ट्रावायलेट लाइट है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन जब इस बॉन्ड से कोलाइड किया, या बॉन्ड से कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, किसी को नहीं मालूम, किसी ने नहीं देखा, लाइट को कोई देख नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख सकता, बट उस पार्टिकुलर स्पीसीज के साथ कोलिजन हुआ। जैसे ही कोलिजन हुआ, लाइट अपना सारा एनर्जी उसको दे दिया, जैसे ही सारा एनर्जी दिया तो बॉन्ड एकदम से ब्रेक कर जाता है ना, जैसे पत्थर पे से हैमर मारते तो एकदम से सब कुछ ब्रेक कर जाता है, तो वैसे ही बॉन्ड एकदम से ब्रेक करता है। जब बॉन्ड ब्रेक करता है मतलब होमोलिटिक फिजन हुआ, होमोलिटिक फिजन होने का मतलब है इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपने अपने जगह वापस चले गए। दिखा था ना टीवी सीरियल में से दीवार में से दरार पड़ जाता है, ऐसे दो लोग होते हैं बीच में दरार पड़ गया, दोनों दो अलग अलग हो गए, ऐसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाता है, क्लोरीन वाला पार्ट बेसिकली सेपरेट हो गया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इसका मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन वाले पार्ट को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। इनफैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम लोगों को रिएक्शन शुरू करना है
तो रिएक्शन को शुरू करने के लिए हम लोग को बस थोड़ा सा सनलाइट, जैसे टॉर्च जला के फिर बंद कर दो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सनलाइट डाल दो, इनिशिएटर के जैसा काम कर जाता है। एक बार वो चीज हो गया तो, जैसे कभी सुना होगा तुम लोगों ने, जो हम लोगों का ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें चीजें रिपीट होती हैं, इसीलिए वहां पे हम लोग हेवी वाटर यूज करते हैं, ताकि हेवी वाटर के साथ जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूजन का जो पार्ट बनता है वो जब कोलाइड करे तो कोलिजन की वजह से अपना एनर्जी उसको दे दे, और फिर उसके बाद थोड़ा प्रोसेस धीरे हो जाए, अदरवाइज न्यूक्लियर रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो मतलब एक बार बस जैसे ही रिएक्शन इनिशिएट हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन अभी शायद फिजिक्स में पढ़ेगा तुम लोग, जहां तक हमको लगता है वहां पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होता है, एक बार चीजें जैसे इनिशिएट हो गई तो उसके बाद चीजें मल्टीप्लिसिटी में अपने आप बढ़ते चली जाती है, चेन रिएक्शन टाइप का होता है। तो यहाँ पे भी बस इनिशिएशन चाहिए, जैसे ही सनलाइट डालेंगे तो हम लोगों का रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कि हम लोगों के रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, अब इसके बाद रेडिकल कुछ कुछ करेगा, क्या कर सकता है? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग का कार्बन चेन है, जो हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे, उस कार्बन चेन के साथ वो एक्स रेडिकल कंबाइन करेगा। जब कंबाइन करेगा तो हम लोगों का हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि हैलोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट को हैलोजन अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उसके वजह से हाइड्रोजन वाला पार्ट कार्बन को छोड़ के हैलोजन पे चला गया, तो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और फिर साथ ही साथ हम लोग एच एक्स का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेप, एक रेडिकल खत्म हुआ, दूसरा रेडिकल बन गया, फिर उसके बाद जो रेडिकल बना है वो कुछ तो करेगा, तो बेसिकली क्या करता है कि जो X2 होता है, H के साथ X का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा था, बट X के साथ X का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस केस में R रेडिकल वाला पार्ट इस X रेडिकल के साथ कंबाइन करता है, या फिर X के साथ कंबाइन करके X2 में से दूसरे X को ढकेल देता है बाहर, तो बेसिकली यहाँ से RX का फॉर्मेशन होता है, और जो दूसरा X है उसको अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटना पड़ता है। तो बेसिकली पहले इस स्टेप में X खत्म हुआ, फिर दूसरे स्टेप में X बन गया, तो X खत्म हुआ, X बन गया, तो फिर ये X वाला पार्ट ऊपर जाएगा, प्रोसेस रिपीट करेगा, फिर वापस से दूसरी जगह से X रेडिकल मिल जाएगा, फिर X रेडिकल ऊपर जाएगा, प्रोसेस रिपीट करेगा। ये चीजें बार बार चल रही होती है, बार बार प्रोपगेट कर रही होती है, तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हुआ। अब जैसे मान लो कि बार बार ये प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी तो ये चीज खत्म होगा। अगर मान लो कि कार्बन चेन ही खत्म होने लग गया, लास्ट स्टेज में कार्बन चेन खत्म होना शुरू हो गया, तब क्या हो पाएगा? तो उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों का जो R रेडिकल बना था वो हम लोगों के X रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, क्योंकि अगर दो रेडिकल था तो उसमें से एक अगर कॉम्बिनेशन में गया तो दूसरा खाली बैठा है पार्टिकुलर टाइम पे, हो सकता है दूसरे कार्बन चेन के साथ कंबाइन किया, बट हो सकता है खाली बैठा हो। अगर दोनों रेडिकल सामने आ गए तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है, यहाँ पे आराम से RX का फॉर्मेशन होगा। तो रेडिकल जो बना था वो खत्म हो गया, मतलब चीजें रुकनी शुरू हो गई, टर्मिनेट होनी शुरू हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो R रेडिकल बना वो दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, क्योंकि R रेडिकल कहीं कहीं से भी बन सकता है, तो अगर दूसरे R रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो कार्बन चेन भी बन सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि X रेडिकल जो बना था वो वापस से आपस में कंबाइन कर जाए और X2 का फॉर्मेशन कर ले। बट फिर भी चलो ठीक है, इसमें एटलीस्ट ये है कि अगर X2 बनता भी है तो इस स्टेप में यूटिलाइज हो जाएगा, काम में आ जाएगा। बट स्टिल हो सकता है लास्ट के स्टेज में अगर हैलोजन ज्यादा है तो हैलोजन वाला पार्ट अपने आप को X2 में कन्वर्ट कर ले। तो ये पूरा स्टेप जो हम लोगों के हैलोजनेशन तक का पार्ट था वो यहीं तक है, लेकिन रिएक्शन वहां पे खत्म नहीं होता है, रिएक्शन उसके आगे प्रोसीड करता रहता है। अब ये प्रोसीड करने का पार्ट जब रुक जाए, मतलब रेडिकल जब खत्म होना शुरू हो जाए, तब को हम लोग एक अलग स्टेप के जैसा कंसिडर कर लेते हैं, बट इसी मैकेनिज्म का पार्ट कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट, इस चीज को हम लोग इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। चीजें यहाँ से इनिशिएट हुई हैं, शुरू हुई हैं, इनिशिएशन स्टेप हो गया। केवल ये फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, जब रेडिकल बना दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। उसके बाद हम लोगों का रेडिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाया, फिर रेडिकल खत्म हुआ, रेडिकल बना दिया, तो इस चीज को हम लोग चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। रिएक्शन बार बार रिपीटेड मोड में चल रहा है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप वर्ड आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों का लास्ट स्टेप वाला पार्ट आता है, इस चीज को हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप,
नॉर्मली टर्मिनेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे चेन टर्मिनेशन स्टेप लिखा रहता है, दोनों वर्ड यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। रेडिकल बना तो इनिशिएशन, रेडिकल बन के खत्म हो रहा है फिर वापस से रेडिकल बन रहा है, इसका मतलब हम लोगों का चेन प्रोपगेशन, और सबसे लास्ट में हम लोगों का चेन टर्मिनेशन स्टेप, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटा सा बेसिक पार्ट अपने को ध्यान रखना होता है, ये हम लोग का मैकेनिज्म होता है। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेप इज अ चेन प्रोपगेशन स्टेप, इनमें से कौन सा स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप, इस तरीके से सवाल आराम से फ्रेम किया जा सकता है। एक और तरीका है सवाल को फ्रेम करने का, ऑल्दो ना मतलब हम मैकेनिज्म में थोड़ा सा पार्ट इसका बताएंगे, बट हम सजेशन देंगे बुक में तुम लोगों को खुद से रीड करना है। पॉला ब्रूस बुक में ढूंढो कि कहाँ पे हेलोजिनेशन वाला पार्ट है, मतलब कहाँ पे अल्केन का रिएक्शन दिया है। फ्री रेडिकल करके एक टॉपिक होगा, एक चैप्टर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का पूरा पार्ट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक स्टेप, वो चीजों को एक बार रीड करना, ये तुम्हारा काम है। ये हम अभी के लिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं होमवर्क वाले पार्ट में, कोई भी बुक उठा करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हम नॉर्मली पॉला ब्रूस प्रीफर कर रखे हैं तो पॉला ब्रूस उठा करके देखो। पॉला ब्रूस में जहां कहीं भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से कोई टॉपिक दिया है उसमें होगा अल्केन, रिएक्शन ऑफ अल्केन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें देखना ये पूरा जो हेलोजिनेशन का स्टेप है इसमें एक्सोथर्मिक स्टेप कौन सा होता है, एंडोथर्मिक स्टेप कौन सा होता है, ये सब वर्ड्स वहां पे थोड़ा देखने की कोशिश करना, थोड़ा एक बार रीड करना। अगर उसमें कुछ डिस्कशन करना होगा तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज वो उतना अपने लिए रेलेवेंट नेचर का नहीं है। सवाल मिल जाएगा तुमको, बट उतना रेलेवेंट नेचर का नहीं है। वो सवाल हम लोग आगे के पार्ट से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन स्टेप्स में अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं, सिंपलिस्टिक स्टेप है, दिक्कत होना नहीं चाहिए। थर्ड स्टेप में हाँ बोलो सर, कार्बन मतलब हैलोजन से इलेक्ट्रॉन कैसे खींच सकता है? कार्बन से, कार्बन हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन कैसे खींच सकता है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड मतलब वहां पे भी मतलब रेडिकल से तो नहीं ले रहा है ना, मतलब वो अगर रेडिकल से लेता तब समझ भी आता, या तो बॉन्ड बना हुआ तो ऐसा समझ लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा सोच सकते हैं सर। आर रेडिकल का रिएक्टिविटी उससे ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रहा है, हम उसको समझाने का एक तरीका पता है, बट हम लोग रिएक्शन को फिजिबल कब समझते हैं, जब प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट वाला पार्ट का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये पार्ट, ये हम लोगों का रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन पूरे रिएक्शन को आगे के डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है। सर उतना क्लियर नहीं हुआ, मतलब ड्राइव कर रहा है, मतलब जैसे ड्राइव कर रहा है, मतलब जिंक वाला पार्ट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, तो ये तो ऑलरेडी एक कंपाउंड बनाया हुआ है, फिर रिएक्शन क्यों होता है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबिलिटी पे जा पाएगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना पाएगा, तो वही चीज यहाँ पे है कि हम लोगों का जो RX वाला पार्ट है, ये पार्ट हम लोगों का ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है, या फिर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का साइड है। केवल रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी ही मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी मैटर करता है। अब जैसे मान लो कि ऐसा है कि इस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे मूव करना चाहेगा, कंपेंसेशन हो सकता है, ठीक है। आर रेडिकल के रिस्पेक्ट में एक्स रेडिकल वाला पार्ट अगर मान लो कि ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, मान लेते हैं एक बार को कि आर रेडिकल के रिस्पेक्ट में एक्स रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, बट सामने वाले पार्ट में चीज उल्टा हो जा रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे ना कि दोनों में से ज्यादा बेटर ये पॉसिबिलिटी कौन सा है, कि एक तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी घट रहा है, तो अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा तो ज्यादा बेटर है, अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी घट रहा होता तो दिक्कत है। ये फ्लोरीन के केस में होता है, फ्लोरीन के केस में ओवरऑल रिएक्टिविटी वाला पार्ट बढ़ जा रहा होता है, एक्स बहुत ही ज्यादा मतलब फ्लोरीन रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर का हो जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब ठीक ठीक रिएक्टिविटी का है, कार्बन चेन से इनफैक्ट नीचे भी निकल के आना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के केस में फ्लोरीन वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो दोनों चीजों को हम लोग को देखते हुए काम करना पड़ेगा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो रिएक्शन को आगे की तरफ मूव करा रहा हो, उस चीज को हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं। अब थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर। और कोई डाउट तो बताओ सर। वो रीजन कब बताएंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब हमेशा क्यों प्रोडक्ट बनना चाहता है? आएगा टाइम आएगा, अभी नहीं बता रहे, जब टाइम आएगा तो खुद बता देंगे। काहे परेशान होते रहता, काहे खुजली मचा रहता है तुमको,
कुछ ही टाइम आएगा तो हम अपने आप बता देंगे, हम पहले ही बोल देंगे वो चीज, हम टाइम आने पे बताएंगे। चलो ध्यान दो, एक तो ये पार्ट हो गया जो हम लोग का मैकेनिज्म से रिलेटेड था, और उसके अलावा फिर हम लोग मेजर माइनर प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो वहां पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं एक्चुअल में, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। एक्चुअल में मेजर माइनर प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोग के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं होता, रेदर यही पार्ट हम लोग के लिए काम का होता है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। एक तरफ चीजें रिएक्टिव है, एक तरफ चीजें सिलेक्टिव है। जैसे ऐसा समझ लो, लड़का लोग जब शॉपिंग करने जाता है तो रिएक्टिव होता है, जो सामने अच्छा मिल जाए उठाओ और निकलो। लड़की लोग शॉपिंग करने जाती है तो सिलेक्टिव नेचर होता है, दुकान का सारा सामान निकलवाएंगे पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा हो सकता है। अदरवाइज 10 दुकान है तो पहले 10 दुकान जाएंगे, 10 दुकान का सामान निकलवाएंगे, तब उसके बाद उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही होता है ना, एक नॉर्मल हम बस पूछ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? लड़की लोग मना करेगी, स्ट्रिक्टली मनाएंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। तो होता तो है। अच्छा ऐसा होता है, चलो कोई तो आया सपोर्ट में। तो बेसिकली एक तरफ रिएक्टिविटी है, हम लोग थोड़े रिएक्टिव नेचर के हैं, जो दिख गया कलर ठीक है पैटर्न ठीक है उठा लो, कपड़ा अच्छा है कपड़ा सॉफ्ट है फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम लोग सॉफ्ट नहीं है तो कपड़ा सॉफ्ट होके क्या करेगा, सब चलेगा। भैंस का चमड़ी है या भैंस से भी ज्यादा उसके क्या होता है गेंडे का चमड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोड़ा भी दे दो सब पहन के चल लेंगे। बेसिकली हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग रिएक्टिविटी के साथ शॉपिंग करते हैं। लड़की लोगों को बहुत सारा फैक्टर देखना होता है, कलर में ये ब्लू है लेकिन ये डीप ब्लू नहीं है, ये रेड है लेकिन ये लाइट रेड नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट रेड है बहुत ज्यादा डीप रेड है, इसका एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा डिजाइन में गड़बड़ी हो गया है, इसका नेक में थोड़ा प्रॉब्लम, इसका डिजाइन ओल्ड फैशन हो गया है, ये टीवी सीरियल में नहीं दिखाई दे रहा आजकल, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे चलता है कि जो क्लोरीन वाला पार्ट होता है वो रिएक्टिव नेचर का होता है, ब्रोमीन वाला पार्ट सिलेक्टिव नेचर का होता है। ब्रोमीन का रिएक्टिविटी कम होता है, आराम से पोजीशन सेलेक्ट करके रिएक्शन करेगा, मतलब जहां जहां रिएक्शन हो सकता है ये हम लोगों ने सीख लिया, हैलोजिनेशन कहां कहां हो रहा है मालूम पड़ गया, बट ब्रोमीन प्रेफरेबली वहां पे जाएगा जहां पे उसको ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिलेगा कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में। क्लोरीन को पहले प्रोडक्ट बनाना है, क्लोरीन रिएक्टिव नेचर का, उसको जहां से प्रोडक्ट मिल जाए सीधा वहां पे जाना चाहेगा, although रेडिकल के स्टेबिलिटी से फर्क पड़ रहा है बट स्टिल कुछ और भी चीजें हैं जिससे फर्क पड़ेगा। रेडिकल के स्टेबिलिटी से फर्क कैसे पड़ेगा आएंगे हम लोग उस चीज पे, बट उससे पहले थोड़ा ऊपर आते हैं। ये जो स्टेप है, इस स्टेप में हम लोगों का जब कार्बन चेन हैलोजन रेडिकल के साथ कंबाइन किया तो कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर मान लो कि दो रेडिकल बन सकता था तो बेटर होता कि ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने, जब कार्बन चेन में रेडिकल बनना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कार्बन चेन में दो जगह रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी, मतलब सिंपल सा मैं एकदम सवाल पुट कर रहा है, ये कंपाउंड अपने पास ये दो पॉसिबिलिटीज है जहां रिएक्शन हो सकता है, अगर पहले जगह का हाइड्रोजन हटा तो पहले जगह रेडिकल बनेगा, अगर दूसरे जगह का हाइड्रोजन हटा दूसरे जगह रेडिकल बनेगा, अगर दोनों जगह रेडिकल बन सकता है तो फिर प्रेफरेबली रेडिकल कहाँ बनना चाहेगा, तो ऑब्वियस बात है जहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल है चीजें वहां से चलेंगी। तो हम लोगों का सेकेंड पार्ट ज्यादा स्टेबल है, अगर सेकेंड पार्ट ज्यादा स्टेबल है तो सेकेंड पार्ट ही बनना चाहेगा, इसका मतलब सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन ज्यादा प्रेफरेबली हटने के सेंस में होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो बोलने का एक जनरल सेंस होता है, 1 डिग्री कार्बन से ज्यादा स्टेबल रेडिकल 2 डिग्री में होता है, उससे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री में होता है, बट ये जनरल सेंस हम लोग केवल अल्केन की केस में बोल रहे हैं, कोई रेजोनेंस या प्लस है माइनस है नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल अल्काइल चेन की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री रेडिकल, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रेफरेबली बनना चाहेगा, तो उसको बनाने के लिए उसी कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, मतलब उसी डिग्री का हाइड्रोजन हटना चाहिए, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो काइंड ऑफ रिएक्टिविटी को हम लोग हाइड्रोजन से रिलेट कर सकते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं है बट जो प्रोडक्ट बन रहा है जो रेडिकल बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो जल्दी बनना चाहेगा, वो ज्यादा प्रेफरेबली बनना चाहेगा, तो इसका मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा प्रेफरेबली हटना चाहेगा, तो इसको हम लोग रिएक्टिविटी से एसोसिएट कर रहे हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 1 डिग्री।
और 3 डिग्री उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं एक छोटे से स्टेबिलिटी के फॉर्मेट में, हम बस लिख देते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल्स। इसमें जनरली 3 डिग्री कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बन रेडिकल या रेडिकल ही कर देते हैं, और उसके बाद हम लोगों का लास्ट में 1 डिग्री वाला पार्ट आता है। सबसे पहला फैक्टर ये। इसके अलावा हम लोगों को जब रिएक्टिविटी की बात करनी है तो रिएक्टिविटी में हम लोग हैलोजन के भी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, या हैलोजन के रिएक्टिव हैलोजन के रेडिकल की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। इसमें फ्लोरीन रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन रेडिकल, फिर उसके बाद ब्रोमीन रेडिकल और सबसे लास्ट में आयोडीन रेडिकल। आयोडीन इतना लेस रिएक्टिव होता है कि रिएक्टिव ही नहीं होता, वो रिएक्शन ही नहीं करता। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव होता है कि ऊपर का जो स्टेप हुआ था यहाँ पे ये स्टेप यही नहीं होने देता, तो फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव नेचर का है। आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन बहुत लेस रिएक्टिव नेचर का है, यही स्टेप नहीं होने देगा। आयोडीन वाला पार्ट बोलेगा नहीं हमको नहीं चाहिए, हमें सही खाली ठीक है, तो आयोडीन ये स्टेप नहीं होने देता, फ्लोरीन वाला पार्ट ये स्टेप नहीं होने देता, क्योंकि फ्लोरीन रेडिकल बनाना बहुत मुश्किल होगा, फ्लोरीन रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, तो इसीलिए लास्ट स्टेप फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट स्टेप आयोडीन में पॉसिबल नहीं है। घुमा फिरा के अपने पास ऑप्शन बचता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाले पार्ट का, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में एक छोटा सा पार्ट हम लोग मेंशन कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिकली जो रेडिकल बना वो रेडिकल के बनाने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को हटाया, जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल है उसको हटाने वाला हाइड्रोजन ज्यादा इजीली हटेगा, या फिर जहां से वो रेडिकल बन रहा है वहां से हाइड्रोजन इजीली हटेगा। तो जब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उस केस में 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उससे बनने वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल नेचर का है। तो हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं एक जनरल सेंस में कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये बोलने का जनरल सेंस हो सकता है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि जब हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 केसेस है, क्लोरीन के केस में अलग चलता है, ब्रोमीन के केस में अलग चलता है थोड़ा, और उसमें एक छोटा सा फैक्टर याद रखना होता है कि जब हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, तो जैसे मालूम पड़ा अपने को कि 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे लेस रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 कितना गुना ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको मानने के लिए हम लोग क्लोरीन के केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को 1 मान लेंगे। अब 2 डिग्री क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रेशियो 3.8 के बराबर आता है नियरली, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होता है बट हम लोग 3.8 लेके चलते हैं। और 1 के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो कितना गुना ज्यादा रिएक्टिव है, ये रेशियो 5 निकल के आता है। इसका कोई यूनिट है क्या? नहीं, रिएक्टिविटी में हम लोग एक के रिलेटिव दूसरे की बात कर रहे हैं कि एक अगर एक्स रिएक्टिव है तो दूसरा उसका 2x रिएक्टिव है, तो वो तो रिलेटिव चीज चल रहा है, रिलेटिव तो हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या, जैसे कितना तेजी से रिएक्शन कर रहा, वो हम लोग 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक एब्सोल्यूट सेंस हो सकता था कि 1 डिग्री हाइड्रोजन किस रेट से रिएक्शन करता है, तो उस रेट के लिए हम लोग जो काइनेटिक्स का जो बोलते हैं dx/dt वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग रिलेटिव रेट की बात कर रहे हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 ज्यादा है, 2 के रिस्पेक्ट में 3 ज्यादा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 कितना ज्यादा है, 1 के रिस्पेक्ट में 3 कितना ज्यादा है, कोई यूनिट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये पहला पार्ट क्लोरीन का आता है। अरे ये रेशियो का काम आता है? बिल्कुल काम आता है, मेजर माइनर में काम आएगा। और दूसरा पार्ट आता है ब्रोमीन का। 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर रिएक्टिविटी में 1 पे वैल्यू पे रखते हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में 80 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में 1600 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है, और इसका बेनिफिट क्या है या फिर इसका यूज क्या है उसको कंसिडर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एंड इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाले पार्ट को अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या ऐसा लिख देते हैं, ठीक है पहले नंबर ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चलो ठीक है पहले रिएक्टिविटी लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन करेंगे।
और इसी के ऊपर हम लोग मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन. और इसके आगे एक छोटा सा स्टेटमेंट बस लिख लो या समझ लो, हायर प्रोबेबिलिटी फैक्टर हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. जिसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट पे बनेगा. अब इसका बेसिक सेंस क्या है हम लोग क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. जैसे मान लो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो ये एग्जांपल मान लो, या फिर ज्यादा बेटर होगा कि हम थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं. पहला सवाल, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? तो क्लोरीनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ, प्रोडक्ट तो दो ही बनना है, सिंपल सी बात है. पहले पोजीशन पे क्लोरीन लाएगा या दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन लाएगा, तीसरा तो कुछ नहीं बन सकता. अब अगर हम लोगों को दोनों में मेजर माइनर डिसाइड करना है तो पहले प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होगा. और प्रोबेबिलिटी फैक्टर में मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन. तो पहला चीज, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा ये कौन सा हाइड्रोजन को हटके लगा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटके लगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन था यहाँ पे. तो रिएक्टिविटी कितना लेके चले थे हाइड्रोजन का 1 डिग्री में, 1. अब इस तरह के कितने हाइड्रोजन है, तो हम लोगों ने ये लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है ये दोनों पोजिशन कॉमन था, तो ये दोनों पोजिशन के हिसाब से हम लोग चीजें डिसाइड कर रहे हैं. टोटल दोनों पोजिशन मिला के 6 हाइड्रोजन है. तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 के बराबर है. ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि 6 प्रोडक्ट बनेगा. इसका मतलब क्या है कि अगले वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बताएंगे. अब सेकेंड वाले केस में 2 डिग्री कार्बन था, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी कितना लिखे थे ऊपर, 3.8 के बराबर. तो इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे रिएक्टिविटी वाला पार्ट 3.8 लिख सकते हैं इनटू दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में, तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा था, मतलब 2 के बराबर. ये वैल्यू हो गया 7.6. अब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर सेकेंड में ज्यादा है, इसका मतलब सेकेंड वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट अपना माइनर प्रोडक्ट होगा. और प्रोडक्ट में ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है कि जिस टाइम पे 1 डिग्री कार्बन के तरफ से 6 प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये पहला वाले कंपाउंड का 6 मॉलिक्यूल बनेगा, उस टाइम पे दूसरे वाले का 7.6 मॉलिक्यूल बनेगा. ऑल्दो 7.6 तो बन नहीं सकता, बट ये फैक्टर है. मतलब अगर पहले वाले मॉलिक्यूल का 60 मॉलिक्यूल बनेगा तो दूसरे वाले का 76 मॉलिक्यूल बनेगा. ये हम लोगों का बोलने का सेंस होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे मेजर माइनर डिसाइड करते वक्त. ज्यादा बेटर होगा कि हम थोड़े बड़े क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए. जैसे मान लो ये सवाल है, ये सवाल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा सब कुछ. अच्छा सॉरी, एक मिनट, पहले क्लोरीनेशन तो बता दिया, ब्रोमिनेशन की बात करते हैं. Br2 के साथ HNO, प्रोडक्ट तो दोनों सेम ही बनेगा, पहले पोजिशन पे ब्रोमीन या फिर दूसरे पोजिशन पे ब्रोमीन. अब इसके आगे क्या होगा, तो पहले पोजिशन वाले पार्ट पे रिएक्टिविटी कितना, 1 के बराबर. और कितने टोटल हाइड्रोजन थे, 6 के बराबर. अभी भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 है. दूसरे वाले केस में 2 डिग्री का रिएक्टिविटी कितना लिखे थे, तो 1:80:1600, मतलब रिएक्टिविटी 80 हो गया और टोटल 2 हाइड्रोजन, वैल्यू 160. मतलब जब 1 डिग्री कार्बन के तरफ से, जबकि 6 हाइड्रोजन है, 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तब जब 6 प्रोडक्ट मिल रहा तो दूसरे तरफ से हम लोग को 160 प्रोडक्ट मिल रहा. जमीन आसमान का डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चल रहा है यहाँ पे. तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट मिल गया, माइनर प्रोडक्ट मिल गया. बट ये तो दिख रहा है कि 2 ही प्रोडक्ट है, एक मेजर होगा एक माइनर होगा. तो हम लोग फिर अगले सेंस में आएंगे, अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने दो, फिर अगर किसी पे डाउट होगा तो आराम से पूछना. और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज का. मान लो ये कंपाउंड है, पहले क्लोरीनेशन करा देते हैं, तो तुम्हारा सवाल हम आसान कर देते हैं. पहले तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो टोटल मिला के आपको 3 प्रोडक्ट्स दिख रहा है. अगर तुमको चौथा दिखेगा तो बता देना, इन केस मेरे से अगर कुछ छूट गया हो. टोटल ये 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मेरे को. अब कितना प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर से हम लोग रिलेट कर पाएंगे. तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे पहले वाले केस में, जो क्लोरीन है वो कौन सा हाइड्रोजन को हटा के गया था, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के गया था. रिएक्टिविटी कितना होगा, 1 के बराबर. इस तरह के टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ से डिविजन किया, ये कॉमन निकल के आया. इसका मतलब यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ का 3 हाइड्रोजन. यहाँ से डिविजन किया तो ये भी कॉमन निकल के आया, और बाई चांस दूसरे साइड भी कॉमन निकल के आया. तो बेसिकली ये 6 हाइड्रोजन कॉमन है, फिर उसके बाद इधर के भी 6 हाइड्रोजन कॉमन है, और उसके अलावा ये भी कॉमन है. सारा हाइड्रोजन कॉमन है बेसिकली. अगर सारा हाइड्रोजन कॉमन है तो टोटल मिला के हम लोगों को जहां पे क्लोरीन लग रहा है उसको हटाने के लिए, उसको लाने के लिए टोटल 12 हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 12. दूसरे कार्बन की बात करते हैं,
जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा वो 3 डिग्री कार्बन दिख रहा, 3 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन होगा। तो इस केस में हम लोग जब रिएक्टिविटी कंसिडर करेंगे तो क्लोरीनेशन में 1:3.8:5 था, 5 रिएक्टिविटी है और उसके बाद टोटल इस तरह का 2 हाइड्रोजन पॉसिबल है। ये 2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन पॉसिबल है, मतलब टोटल 10 प्रोडक्ट आ सकता है, प्रायोरिटी फैक्टर। और थर्ड वाले केस में 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन और सबका रिएक्टिविटी कितना था 3.8 के बराबर, तो 3.8 × 2 इसका मतलब 7.6। इन पूरे पार्ट में 1 डिग्री वाला पार्ट सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है, जबकि 1 डिग्री वाला पार्ट सबसे लेस रिएक्टिव है, बट स्टिल प्रायोरिटी फैक्टर के हिसाब से ये मेजर निकल के आ रहा, और 2 डिग्री वाला पार्ट माइनर निकल के आ रहा। कुछ भी हो सकता है क्लोरीनेशन में, अगर सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्लोरीनेशन का आने वाला है, ब्रोमिनेशन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, जस्ट इसके आगे पता चल जाएगा जब हम लोग ब्रोमिनेशन को कैरी आउट करेंगे। मान लो अगर ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम बनना है, पोजीशंस में चेंजेस तो नहीं होने वाले, सबसे पहले पोजीशन पे ब्रोमीन या फिर दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन या फिर थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन। अब इन 3 पोजीशंस में हम लोगों का पहले वाले पोजीशन में रिएक्टिविटी क्या है, 1, टोटल कितने हाइड्रोजन से 12। दूसरे वाले केस में 3 डिग्री कार्बन था, रिएक्टिविटी सीधा 1600 चला गया, कितने हाइड्रोजन से 2, मतलब टोटल प्रोडक्ट 3200 या प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3200। थर्ड वाले केस में हम लोगों का रिएक्टिविटी 80 था, टोटल 2 हाइड्रोजन से, इसका मतलब 160। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, 3 डिग्री हमेशा यहाँ पे बहुत हाइयर अमाउंट में होगा, मेजर एब्सोल्युटली रहेगा, और 1 डिग्री वाला पार्ट माइनर हमेशा रहेगा। मतलब यहाँ पे चीजें फिक्स है, ब्रोमिनेशन हुआ तो 3 डिग्री के तरफ से ही प्रोडक्ट मेजर आएगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री के तरफ से, फिर 1 डिग्री के तरफ से। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर 2 1 डिग्री हाइड्रोजन है या 2 1 डिग्री कार्बन है तो दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी फैक्टर काउंट होगा। ये मत सोच लेना कि एक ही में दोनों काउंट कर ले, जैसे मान लो इस तरह का सवाल हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका कैलकुलेशन अलग चलेगा, केवल हम इन दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं। मान लो ये केस रहा तो इस कार्बन के जैसा दूसरा एक और कार्बन है, टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन, 3.8 × 4, बट ये 2 डिग्री कार्बन होते हुए भी इस तरह का एक ही कार्बन है, 3.8 × 2, मतलब दोनों 2 डिग्री प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ एग्जिस्ट करेंगे। इस एक छोटे से पार्ट का हम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इस पूरे पार्ट में जब क्लोरीन हुआ तो क्लोरीन के केस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेजर हो सकता है, कुछ भी माइनर हो सकता है, बिकॉज क्लोरीन इज रिएक्टिव इन नेचर। तो क्लोरीन के केस में हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, क्लोरीन इज रिएक्टिव इन नेचर, वेयर एज ब्रोमीन इज सेलेक्टिव इन नेचर। ब्रोमीन आराम से तसल्ली से 3 डिग्री कार्बन के तरफ से प्रोडक्ट बनाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लोरीन को जहां पहले कंपाउंड मिल जाए रिएक्शन करने के लिए वहां के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। इस एक बेसिक पॉइंट का ध्यान रखना। अब अगर किसी को कोई डाउट है इस पूरे पार्ट में तो आराम से पूछ सकते हैं, मेजर माइनर मैकेनिज्म कहीं पे कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बोलो सर, रेडिकल का स्टेबिलिटी आइसोटोप पे कैसे है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पे? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम वाले पार्ट पे हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं एक बार को, कि जैसे मान लो एक जगह हाइड्रोजन है एक जगह ड्यूटेरियम है, दोनों में ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसका है, इसी पे रख लेते हैं हम लोग, यहीं पे ड्यूटेरियम रख लेते हैं। दोनों में ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसका है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में? ड्यूटेरियम का। तो जिसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा उसको तोड़ने में ज्यादा मुश्किल होगा, तो बेसिकली हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होगा एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। इसलिए हाइपर कंजुएशन में भी हाइड्रोजन ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुएशन करता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो ये सवाल मेरे लिए नया सवाल है, बट ऐसा हो सकता है। हाँ बोलो सर, वो रेडिकल वाला ऑर्डर कैसे लिखे थे स्टेबिलिटी का, मतलब किस फैक्टर पे? रेडिकल वाला ऑर्डर कैसे लिखे? जो स्टेबिलिटी वाला था ना कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फिर 2 डिग्री, ये तो हम बताए थे पहले दिन, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल हाइपर कंजुएशन के बेसिस। अच्छा, मतलब वही है नहीं बस। हां जी, तो नया थोड़ा ना स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल चेंज हो जाएगा, तो फिक्स है। और कोई डाउट तो बताओ।
बड़ा माहौल शांत है, सबको नींद आ रहा है, सबके आंखों में से नींद बसा हुआ है अभी. अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं. नोट्स कॉपी में फ्री रेडिकल वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे. अगर इन केस परऑक्साइड इफेक्ट आता है, ऑल्दो परऑक्साइड इफेक्ट आना नहीं चाहिए अभी, बट अगर इन केस परऑक्साइड इफेक्ट आता है तो उसको छोड़ देना अभी के लिए, उसको हम लोग अगले रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करेंगे, जहां पे अल्कीन का एक बेसिक रिएक्शन शुरू होगा. वहां के बाद सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत हम लोग को नया चीज सीखने को मिलेगा, अदरवाइज उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस अब रिपीट होना शुरू होंगे. तो नेक्स्ट क्लास में, ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोगों को टॉटोमराइजेशन का डिस्कशन करना था, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज एंड टॉटोमराइजेशन, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, उसका हम एक लेक्चर देंगे तुम लोग को देखने के लिए. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, बट उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उससे क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है तुमको, वो लेक्चर तुम लोग को खुद से देखना है ताकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए. और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मस्ट चीज है, मतलब अगर कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ये प्रोसेस सीखना ही सीखना. जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना था, वैसे ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बहुत ही मस्ट प्रोसेस है रिएक्शन मैकेनिज्म में. उसका हम लेक्चर तुम लोगों को देखने देंगे, 15 मिनट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक है जिसमें हम लोग चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बाकी क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही उसमें चलता है, वो प्रैक्टिस करना है तुमको. उसमें हम ज्यादा क्लास में कुछ नहीं बता सकते, वो क्लास के बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा. तो नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिला देना, पहले हम लोग टॉटोमराइजेशन पढ़ेंगे, टॉटोमराइजेशन के बाद हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तो खैर हम लेक्चर दे देंगे तुम लोगों को, ओजोनोलिसिस का टॉपिक हम वहां पे डिस्कशन में यूज कर लेंगे, एंड पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट का टॉपिक हम डिस्कशन में यूज कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग दो लेक्चर के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब अल्कीन का रिएक्शन डिस्कस करना शुरू करेंगे. इन सब टॉपिक्स के बाद हम लोग का क्लास 12 का टॉपिक काइंड ऑफ शुरू होगा, बट हम लोग 11 12 के जैसा बात नहीं कर रहे, हम लोग जनरल सेंस में बात कर रहे हैं. उसके बाद टॉपिक हम लोग का काफी तेजी से निकलेगा, हम बहुत आराम से धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाए, अदरवाइज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 2 दिन का टॉपिक है. अगर लेक्चर देखो लास्ट ईयर का उठा के, जब हम बीच में पढ़ाए थे तुम लोग को लास्ट क्लास में मैंने भेजा था लेक्चर, 2 दिन का लेक्चर था वो, केवल 2 लेक्चर और कम्प्लीट, क्योंकि शुरू के रिएक्शन मैकेनिज्म टाइम टेकिंग है, शुरू में टाइम लगता है, बट एक बार वो टाइम प्रोसेस का समझ में आना शुरू हो गया उसके बाद तुमको मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं. उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइम अपने आप घटता जाता है. सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा टाइम लेगा, दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा कम टाइम लेगा रिलेटिवली, वो स्लो स्पीड से चलेगा, उसके बाद अपने आप स्पीड बढ़ना शुरू होगा. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा याद दिलाना, हम लोग टॉटोमराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो ओजोनोलिसिस, टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में ओजोनोलिसिस, एंड उसके अलावा पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करेंगे. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछना तो आज के लिए टाटा बाय बाय. एक लोग तो कोई गायब भी हो गया, पहले ही गायब हो गया, सुतीश गायब हो गया, उसको नींद आ रहा होगा. हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो. प्रोबेबिलिटी फैक्टर कुछ डेफिनेशन भी होता है? नहीं, डेफिनेशन ध्यान मत रखो, बस याद रखो कैसा होता है, क्योंकि ये टॉपिक वैसे ही अपने काम कर रही है, तो इसीलिए बस उस सेंस में बात रखो. प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है, एक कंपाउंड के बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर. और कोई डाउट सर? कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना नोट्स में, उसमें डाउट है थोड़ा. ग्रुप में डाल दो सर. मतलब बस वो, मतलब आपसे मतलब वो पूछना था कि वो मतलब कैसे कैसे वो सोचे कि मतलब वो प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था. मतलब अभी हम ये बोल रहे हैं कि सोचना नहीं, अभी सीखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अभी नहीं सोच सकते. प्रोडक्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अभी इनिशियल स्टेज में पहले ये देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. जब सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे, हम लास्ट क्लास में समझाए भी थे कि जब सारी पॉसिबिलिटीज प्रोडक्ट बनाने की सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लेंगे, तब उसके बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये एक्सप्लोर करेंगे, तब जाके चीजें आप समझ पाएंगे. तो पहले दिन से क्या क्या हो सकता है ऐसा नहीं सोच सकते, हर चीज को सीखने का एक सही स्टेप होगा. क्योंकि जैसे तुम लोगों को जो हम जिस तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर का जो नोट्स, मतलब लास्ट ईयर का जो हम लेक्चर देखो, उनको जो ऑर्गेनिक पढ़ाए, जो आर बैच में ऑर्गेनिक पढ़ाए, मेरा मन है हम जब चाहे जैसा चाहे वहां से सीखना शुरू कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट बात है कि यहीं से शुरू करके यहीं तक जाना. हाँ, जीओसी आना चाहिए एक बेसिक सेंस में, बट यहाँ से शुरू होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और फिर आगे जाके चीजें कनेक्टेड होंगी. तो आपके मन पे है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि चीजें आपस में जाके मर्ज होने वाली आगे. मतलब बस कहीं से एंट्री ले लो,
अंदर तो जाके सब ऐसा प्रोसेसर टाइप का मचने वाला है। तो अभी तुमको ये चीज नहीं समझ में आएगी कैसे प्रोडक्ट के बारे में सोचो, उसके लिए पहले वो भीड़ में घुसना पड़ेगा, जितना पॉसिबिलिटीज है जितना भीड़ भाड़ है जितना फसल है सब देखना पड़ेगा, तब जाके सोच पाएंगे कि अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक ओरिएंटेशन हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, तभी जाके उसके बारे में सोच पाएंगे। अभी उस चीज को जज कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सीख जाएंगे, एक महीने में आराम से सीख जाएंगे, इतना क्या हड़बड़ी है। और कोई डाउट तो बताइए। सर ब्रोमीन में उतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया? ब्रोमीन में इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया? वो 2 डिग्री ब्रोमीन में इतना बड़ा वैल्यू इसलिए आया क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो जाता है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो ये दो फैक्टर्स हो सकता है। और बाकी कैसे आया ब्रोमीन इतना, ब्रोमीन रेडिकल इतना अनस्टेबल क्यों है, ये थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके पीछे हम लोग के पास रीजन नहीं है। हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव बोल देंगे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो, बट वो ऐसा है कि हवा में तीर मार रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। हाँ मतलब वही बोले कि बिना फैक्ट के हम लोग बात नहीं करें तो ज्यादा बेटर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फैक्ट अगर हम कुछ बोले और वो गलत निकल गया तो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक रेडिकल का रिएक्टिविटी मतलब एक एलिमेंट के रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो हम लोग काइंड ऑफ फैक्ट से रिलेट करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से रिलेट करेंगे, उसके ऊपर हम कमेंट ना करें तो ज्यादा बेटर। ऑल्दो ट्रेंड यही है ना कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फिर क्लोरीन का नंबर आया, फिर ब्रोमीन का नंबर आया, तो ऑब्वियस सी बात है डाउन द ग्रुप गया तो साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्टेबल रहा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट घटा, इस वजह से भी हम लोग का रिएक्टिविटी कम हुआ। एक जनरल सेंस सोचा जा सकता है, लॉजिक बोला जा सकता है, बट हो सकता है कि हम गलत हो। और कोई डाउट? क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हम लोग आयोडीनेशन ये पॉइंट ऑल्दो हम डिस्कस तो पहले ही कर दिया था, अगर आपको याद हो आयोडीन रेडिकल बहुत ही लेस स्टेबल होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाता है क्योंकि कार्बन रेडिकल उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, साथ ही साथ आयोडीन रेडिकल बहुत स्टेबल है तो रिएक्शन ही नहीं करना चाहेगा, जबकि फ्लोरीन वाला पार्ट बहुत रिएक्टिव नेचर का है, तो जो F2 बना हुआ है उसको ब्रेक करके F रेडिकल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दोनों पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके थे जहां तक हमको ध्यान है। ड्यू टू वेरी लो रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन रेडिकल द रिएक्शन इज द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट फेजिबल, ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन रेडिकल अल्काइल क्लोराइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। और कोई डाउट तो बताइए। अभी तक कोई थैंक यू नहीं बोला, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल ऑफलाइन क्लास है तुम लोगों का, तो कल हम 9 बजे से क्लास नहीं लगाएंगे, परसों आराम से क्लास करेंगे। तब तक हम एक छोटा सा सजेशन देंगे, फ्री रेडिकल में जितने क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स में वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी शुरू के 2 रिएक्शन मैकेनिज्म में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा हम बुकलेट में जो भी होमवर्क हो सकता है वो बुकलेट का होमवर्क मार्क कर देंगे, तुम लोगों को वो सब क्वेश्चंस भी ट्राई करना है, तो बस ये क्वेश्चंस करो आराम से हम लोगों को, अगर कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाउट पोस्ट कर देंगे, वहां पे पूछ सकते हैं। सूरज हम तुमको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे डाउट डिस्कशन कर रहे हैं लोगों का, वहां पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और कहीं का भी डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां का डाउट, कोई भी रैंडम डाउट जहां भी तुमको पढ़ते हो कुछ भी डाउट आ रहा है वो सारा चीज पूछ सकते हैं वहां पे आराम से। तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.